गट्टू की समझदारी। शाम हो गई थी, गट्टू चिंकी दोस्तों के साथ सड़क पर साइकिलिंग करने निकले थे। रेड सिग्नल मिला और बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल रोक ली। गट्टू ने नोटिस किया कि काफी सारे लोग सिग्नल तोड़कर तेजी से जा रहे थे। पता नहीं लोगों को सिग्नल तोड़कर कौन सा मजा आता है। सिग्नल तोड़ते हैं और फिर एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं। रोज एक्सीडेंट की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, फिर भी सिटीजन्स रूल्स फॉलो नहीं करते। सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो सीधा सिग्नल तोड़कर निकल जाते हैं। तभी बच्चों के पास एक स्कूटर आकर रुक गई। बच्चों को देखकर स्कूटर वाला हंसते हुए बोला, अरे बच्चों, तुम क्यों सिग्नल का वेट कर रहे हो? तुम्हारे पास साइकिल है, निकल जाओ। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर गट्टू बोला, नहीं अंकल, साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए। पुलिस के डर से रूल फॉलो करना और पुलिस ना हो तो रूल तोड़कर चले जाना गलत है। रूल्स हमारी खुद की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ना मूर्खता है। ये सुनकर स्कूटर वाला हंसने लगा, मूर्ख हो तुम लोग, कौन से जमाने में जी रहे हो हा? अरे समय किसी के लिए नहीं रुकता, तुम भी मत रुको, मैं भी नहीं रुकने वाला। ऐसा कहकर स्कूटर वाला स्कूटर लेकर तेजी से निकल गया। ये देखो, एक और आदमी सिग्नल तोड़कर चला गया। कोई कुछ भी कहे, हमें सिग्नल नहीं तोड़ना है, हम तो ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही आगे जाएंगे। सारे बच्चे ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करते रहे और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल आराम से आगे बढ़ाई और सब लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर आते ही बच्चों ने देखा कि सड़क पर काफी सारी भीड़ थी। भीड़ ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया था। बच्चों ने साइकिल को ब्रेक लगाकर साइकिल को रोक दी। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चलो हमें चलकर देखना चाहिए। बच्चों ने सड़क किनारे साइकिल पार्क कर दी और भीड़ में घुसने का प्रयास करने लगे। भीड़ काफी ज्यादा थी और बच्चों को कोई भी आगे घुसने नहीं दे रहा था। ए बच्चों, अंदर कहाँ घुस रहे हो, भागो यहाँ से, चलो। फिर भी बच्चे अंदर की तरफ बढ़ते ही रहे और जैसे तैसे भीड़ चीर कर अंदर घुसने में सफल हुए। अंदर का नजारा देखते ही गट्टू चिंकी और सारे बच्चे चौंक गए, क्योंकि अंदर वही आदमी स्कूटर के नीचे दबा और घायल पड़ा था जो सिग्नल तोड़कर भागा था। अरे ये तो वही सिग्नल वाले अंकल है, ठीक कहा था ना इन्होंने, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इनके लिए भी नहीं रुका। गट्टू ने देखा कि स्कूटर वाला काफी घायल और स्कूटर के नीचे दब कर तड़प रहा था, फिर भी कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। सारे लोग मोबाइल लेकर उसे शूट कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। यह देखकर गट्टू दुखी हो गया। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, हम निकल जाते हैं यहाँ से, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं हरी, हम भी बाकी लोगों की तरह सोचेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। ये लोग तो बेशर्मों की तरह वीडियो निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे और समझदार बच्चे हैं। हम भी इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। हाँ यार, हमें मदद करनी चाहिए। चिंकी तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, हम स्कूटर हटाते हैं। गट्टू हरी और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर स्कूटर के पास आया और स्कूटर हटाने लगा। स्कूटर काफी वजनदार थी, वह तो उनसे हिल भी नहीं रही थी, फिर भी बच्चे जोर लगाते रहे और उन्होंने स्कूटर को खड़ा कर दिया। फिर गट्टू ने स्कूटर वाले अंकल को सहारा देकर उठाया। चिंकी पानी लेकर आई, गट्टू ने उन्हें पानी पिलाया। अंकल आप ठीक तो हो? लेकिन अंकल बोलने की कंडीशन में नहीं थे। ये काफी घायल और सीरियस है, मैंने 108 नंबर पर कॉल किया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और अंकल को उठाकर अस्पताल ले गई। अब गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों के आसपास काफी भीड़ जमा हुई थी, लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। बेटा बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप सबको बस सेल्फीज और वीडियोस की पड़ी है। वो अंकल स्कूटर के नीचे दबे हुए थे और आप सब मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। एक्सीडेंट कोई खेल या तमाशा नहीं, गंभीर दुर्घटना है। हम बच्चे स्कूटर उठा रहे थे और आप सब तमाशा देख रहे थे। क्या पता ये हादसा कल आपके साथ हो जाए। ऐसे में अगर कोई आपकी मदद ना करे और मोबाइल लेकर आपको शूट करे तो आपको कैसा लगेगा? थोड़े तो सीरियस और समझदार बनो, अच्छे नागरिक बनो और एक दूसरे की मदद करो।
गट्टू की बातें सुनकर लोगों की सारी भीड़ शर्मिंदा हो गई और शर्म के मारे सबकी आंखें अपने आप ही नीचे झुक गई। डिटेक्टिव गट्टू। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में गट्टू डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता रहता था। डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना और डिटेक्टिव की तरह सोचना गट्टू की आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, गट्टू चिंकी अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते चलाते काफी दूर आकर बच्चे थक कर रुक गए। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तभी बच्चों के सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया और कॉर्नर के एटीएम में घुस गया। बूढ़े आदमी के पीछे एक बाइक भी एटीएम के पास गई और हेलमेट पहना हुआ आदमी बाइक से उतरकर एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। गट्टू उस आदमी को नोटिस कर रहा था। क्या बात है गट्टू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो एटीएम देख रहे हो? अभी अभी हमारे सामने से एक बूढ़ा आदमी एटीएम में पैसे निकालने गया है और ठीक उसके पीछे वो बाइक वाला एटीएम के बाहर खड़ा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। वो भी पैसे निकालने आया होगा। नहीं चिंकी, उसके बाइक चलाने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े अंकल का पीछा कर रहा था। उसकी बाइक देखी तुम लोगों ने? बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल कोरी है, नंबर नहीं है। ऐसी बाइक तो सिर्फ चोर उचक्के ही यूज करते हैं। बच्चों ने बाइक की नंबर प्लेट देखी तो सच में नंबर नहीं था। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। बिना नंबर वाली बाइक तो शहर में एंट्री भी नहीं कर सकती। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और एक बात, वो एटीएम के बाहर हेलमेट पहन कर खड़ा है। एटीएम में चेहरा ढक कर जाना अलाउड नहीं होता, फिर भी उसने हेलमेट पहना है। मतलब अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने हेलमेट का सहारा लिया है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो पैसे छीनना चाहता है। जैसे ही अंदर से बूढ़ा आदमी पैसे निकाल कर बाहर लाएगा, वो पैसे छीनकर बाइक लेकर भाग जाएगा। मैं जरा उसकी बाइक देख कर आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं, उसे शक हो जाएगा, मैं अकेला जाता हूँ। गट्टू चुपचाप छिपते हुए बाइक के पास आया और बाइक को ध्यान से देखने लगा। आदमी बाइक की चाबी वैसे ही छोड़कर गया था। ओह, चाबी छोड़ी है क्योंकि पैसे छीनने के बाद चाबी का झंझट ही ना रहे, बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और भागा जा सके। गट्टू ने नंबर प्लेट छूकर देखी तो नंबर प्लेट को ताजा ताजा व्हाइट पेंट किया गया था और नंबर छिपाया गया था। गट्टू ने बाइक का सीट ऊपर उठाया तो अंदर हथियार छुपाए गए थे। गट्टू सारा खेल समझ गया और बाइक की चाबी लेकर वापस दोस्तों के पास चला गया। वो पक्का चोर है, मैंने बाइक की चाबी निकाली है। हम उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाइक से भाग भी नहीं सकेगा। हरी, एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ, हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प। चोर भागते हुए बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो चोर, पकड़ो। चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे, मिल्खा बनने का शौक है? पैसे निकाल, चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी बीबी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब,
मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है, इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है, मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है, आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा, सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो, तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन बहादुर बच्चों के लिए तो तालियां तो बनती है, फिर क्या। इंस्पेक्टर, बूढ़ा आदमी और सारी पुलिस फोर्स गट्टू और दोस्तों के लिए तालियां बजाने लगी, और ये देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।